हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बिना देर के वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं शाही पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देखिए, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लाई हूँ। तो पहले मैं इसमें तेल दे दी थी और उसमें जीरा डाल दी थी और जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया। उसके बाद मैं प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना ली थी। मैं इसमें और डाली थी 8 काजू 8 आलमंड को मैं तेल में गोल्डन ब्राउन करके उसका भी पेस्ट बना ली थी अलग से। वो भी इसमें डाल दी, उससे बहुत अच्छा बनता है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून हल्दी दे दी थी और टेस्ट अकॉर्डिंग में नमक डाली थी। 1/2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर दे दी थी और धनिया पाउडर भी 2 टेबल स्पून दे दी थी। इसमें मैं 2 टमाटर का पेस्ट बना ली थी, वो पेस्ट भी इसमें डाल देना है। सारे मसाले मैं पहले भून लूँगी, उसके बाद फिर पनीर को भी मैं कट लगा के रख ली थी और इसमें पेस्ट दे के मैं इसको भून लेती हूँ। सारे मसाले से जब तेल निकलने लगे पूरा, देखिए कितना अच्छा कलर दिखने में लग रहा है। सारे मसाले जब भून गए तो मैं पेस्ट डाल दी टमाटो वाली। ये बहुत अच्छा शाही पनीर होता है इस तरह बनाने से। देखिए मसाले से पूरा एकदम अब तेल निकल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसमें 1 कटोरी मलाई डाल दी हूँ। तो मलाई तो सभी के घर में रहते हैं, दूध वाली मलाई, दूध से जो उतारती है मलाई वो वाला तो सभी के घर में रहता है। तो ये आराम से बना सकते हैं। क्रीम तो कभी घर में रहेगा या नहीं रहेगा, ये मलाई देने से बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनता है। देखिए कलर भी कितना अच्छा रहा है, अब पूरा एकदम ऑयली दिखेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप सब भी बनाइएगा फ्रेंड इसी तरह और बताइएगा कि कैसा बनता है, बताइएगा कमेंट करके। फिर इसके बाद मैं इसमें पनीर डाल दी और इसको ठीक ही रखूँगी तो ये टेस्टी और बहुत डिलीशियस लगता है। आप सभी बनाइएगा फ्रेंड, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। तो मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।